नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फायर सर्विस 11 पर। आज हम बात करेंगे एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में। रसोई घर में एलपीजी सिलेंडर का सही और सुरक्षित इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एक ज्वलनशील गैस होती है जो मुख्य रूप से प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन C4H10 से मिलकर बनी होती है। इसे कच्चे तेल को रिफाइन करते समय या प्राकृतिक गैस के प्रवाह से निकाला जाता है। एलपीजी के घटक प्रोपेन C3H8 यह 3 कार्बन वाला एल्केन होता है जो अत्यधिक ज्वलनशील है। सामान्य तापमान पर यह गैस रूप में रहता है, लेकिन दबाव में यह तरल रूप में बदल जाता है। ब्यूटेन C4H10 यह 4 कार्बन वाला एल्केन होता है जो प्रोपेन से थोड़ा भारी होता है। इसका उच्च उबलनांक होता है जो इसे घरेलू और व्यावसायिक उपयोग के लिए आदर्श बनाता है। एलपीजी की विशेषताएं रंगहीन और गंधहीन। अपनी प्राकृतिक अवस्था में एलपीजी का कोई रंग या गंध नहीं होती। सुरक्षा के लिए इसमें एथाइल मरकैप्टन नामक गंधक युक्त पदार्थ मिलाया जाता है, जिससे लीक होने पर इसे आसानी से पहचाना जा सके। तरल के रूप में संग्रहित दबाव में इसे गैस सिलेंडरों में तरल रूप में संग्रहित किया जाता है, लेकिन जैसे ही इसे छोड़ा जाता है यह तुरंत गैस में बदल जाता है। अत्यधिक ज्वलनशील, हवा के साथ सही अनुपात में मिलते ही यह आसानी से आग पकड़ सकती है, जिससे यह खाना पकाने, हीटिंग और औद्योगिक उपयोग में बहुत उपयोगी है, लेकिन असावधानी से खतरा भी हो सकता है। ज्वलनशीलता सीमा का महत्व। अगर एलपीजी का मिश्रण 2% से 9% के बीच हो तो यह मिश्रण ज्वलनशील होता है और आग या विस्फोट का खतरा होता है। अगर एलपीजी का प्रतिशत 2% से कम या 9% से अधिक है तो यह जलने योग्य नहीं होता, क्योंकि या तो गैस बहुत पतली होती है LFL से कम या बहुत घनी होती है UFL से अधिक। हवा से भारी। एलपीजी हवा से भारी होती है, इसलिए लीक होने पर यह निचले स्थानों पर जम जाती है, जिससे बंद जगहों में आग या विस्फोट का खतरा बढ़ जाता है। एलपीजी का उपयोग घरेलू उपयोग। इसे मुख्य रूप से खाना पकाने और घर को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। औद्योगिक उपयोग। उद्योगों में हीटिंग प्रक्रियाओं, फोर्कलिफ्ट्स और रासायनिक उद्योगों में फीड स्टॉक के रूप में इसका उपयोग होता है। वाहनों में उपयोग। इसे ऑटोमोबाइल में ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे ऑटो गैस कहते हैं। 4 एलपीजी के लाभ। स्वच्छ ईंधन कोयला और अन्य जीवाश्म ईंधनों की तुलना में यह कम कार्बन डाइऑक्साइड और प्रदूषक उत्पन्न करता है। ऊर्जा दक्ष। इसका ऊर्जा उत्पादन उच्च होता है, जिससे यह किफायती और प्रभावी ईंधन बनता है। एलपीजी सेफ्टी। गैस सिलेंडर का सुरक्षित उपयोग कैसे करें। 1 एलपीजी क्या है। एलपीजी एक ज्वलनशील गैस है जिसे हम आमतौर पर खाना बनाने के लिए उपयोग करते हैं। यह बहुत सुविधाजनक है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल सही तरीके से न किया जाए तो यह खतरनाक भी हो सकती है। एलपीजी सिलेंडर का सही इस्तेमाल कैसे करें। सिलेंडर हमेशा खड़े करके रखें और सीधा इस्तेमाल करें। हमेशा ISI मार्क वाला रेगुलेटर और पाइप का इस्तेमाल करें। सिलेंडर को आग या गर्मी वाले स्थान से दूर रखें। गैस लीक का पता कैसे लगाएं। अगर गैस की गंध आए तो तुरंत गैस की सप्लाई बंद करें। किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक स्विच न सुसालें ही ऑन करें। खिड़कियां खोलें और ताजी हवा को अंदर आने दें। माचिस या लाइटर का बिल्कुल इस्तेमाल न करें। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हवा से लगभग 1.5 से 2 गुना भारी होती है। इसका मतलब है कि अगर एलपीजी लीक होती है तो यह हवा की तुलना में नीचे की ओर बैठती है और जमीन के करीब जमा हो जाती है। इसका महत्व। चूंकि एलपीजी भारी होती है, यह लीक होने पर बंद या निचली जगहों जैसे बेसमेंट या कम वेंटिलेशन वाली जगहों में जमा हो सकती है। यह इसे और अधिक खतरनाक बनाता है, क्योंकि गैस का संचय आग या विस्फोट का कारण बन सकता है। इसलिए एलपीजी के साथ काम करते समय
वेंटिलेशन का होना आवश्यक है ताकि लीक होने की स्थिति में गैस बाहर निकल सके और दुर्घटना की संभावना कम हो जाए। गैस सिलेंडर को बदलते समय ध्यान रखने योग्य बातें। सिलेंडर बदलते समय पाइप और रेगुलेटर की जांच जरूर करें। सिलेंडर को कनेक्ट करने के बाद पानी से चेक करें कि कहीं गैस का रिसाव तो नहीं हो रहा। दुर्घटना होने पर क्या करें? अगर आग लग जाए तो तुरंत सिलेंडर की गैस सप्लाई बंद करें, फायर ब्रिगेड को तुरंत कॉल करें और आग बुझाने वाले उपकरणों का इस्तेमाल करें। चलो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक मजेदार सवाल। क्या आपको पता है सीएनजी और पीएनजी क्या चीजें हैं? चलो कमेंट्स में अपने जवाब लिखो। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारी नेचुरल गैस की वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर देखें। सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस गाड़ियों में चलने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है और पैसे भी बचाती है। वहीं दूसरी तरफ पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस हमारे घरों में खाना बनाने और पानी गर्म करने के काम आती है। ये पाइप से सीधे आपके घर तक पहुंचती है तो सिलेंडर बदलने की झंझट नहीं। दोनों ही गैसें बिल्कुल सेफ और बढ़िया हैं। बस इनके इस्तेमाल और पहुंचने के तरीके अलग हैं। तो सोचिए आपके लिए कौन सी गैस ज्यादा सही बैठेगी। अच्छा दोस्तों, अब चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। गैस लीक या किसी भी गैस से संबंधित आपातकाल की स्थिति में आप गैस इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इंडियन ऑयल इंडेन गैस 1906 24 घंटे टोल फ्री। भारत गैस 1-800-233-3555। एचपी गैस 1906 या 1-800-293-3555। यदि आपको गैस लीकेज की आशंका हो या गैस सिलेंडर से जुड़ी कोई आपातकालीन स्थिति हो तो इन हेल्पलाइन नंबरों पर तुरंत संपर्क करें और स्थान को सुरक्षित बनाएं। इस प्रकार एलपीजी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसके सुरक्षित उपयोग की जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण सुझाव एलपीजी सिलेंडर के सुरक्षित उपयोग के बारे में। अगर आप इन सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे तो किसी भी दुर्घटना से बचा जा सकता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और भी उपयोगी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।